हाय दोस्तों, मैं हूं आर म्यूजिक वीडियो का फाउंडर और मेरा नाम है रैफी। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने अपना चैनल कैसे ग्रो किया। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक आइडिया लिया कि आजकल कौन कौन से कंटेंट चल रहे हैं और कुछ यूनिक क्या है। फिर मेरे साथ दिमाग में एक आइडिया आया कि कुमार सानू ने अक्षय कुमार के लिए कितने गाने गाए हैं या उदित नारायण ने सलमान खान के लिए कितने गाने गाए हैं। बस ये कॉन्टेंट मैं सर्च किया गूगल पर और यूट्यूब पर, ये कंटेंट नहीं था। बस मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने इस कंटेंट को फॉलो किया और बना डाली 400 वीडियो। कई बार लोग बोलते थे कि आर म्यूजिक वीडियो हमें बताओ, आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आप भी गाने यूज करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं भाई, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। कारण था रीयूज कॉन्टेंट। अब आप कहेंगे कि रीयूज कॉन्टेंट कैसे था? वो इसलिए था कि दोस्तों मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता था, यानी मान के चलिए कुमार सानू ने अक्षय कुमार के लिए कितने गाने गाए हैं, तो वो जो गाने में यूज करता था उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। ना मैं उसका ओनर था, ना मैं प्रोड्यूसर था, ना मैं डायरेक्टर था। मैं सिर्फ उन गानों को यूट्यूब से चुरा कर या कॉपी कर कर एडिट करके उन गानों को आप तक पहुंचाता था। ये गाने मेरे नहीं है, इसलिए इन गानों का कॉपीराइट मेरे पास है नहीं। और ये कई हजार चैनलों पर ये गाने चल रहे हैं। अगर मैं उन गानों को अपने चैनल पर डाल रहा हूं तो ये रीयूज कंटेंट में शामिल होता है। हालांकि मुझे पता था कि कभी ना कभी तो ये चैनल में मेरा नाम भी आ ही जाएगा रीयूज कंटेंट में। और फाइनली फरवरी में ये मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया आप इस तरह के वीडियो नहीं बनाइए जैसे मैं वीडियो बनाता था। एक दो साल चार साल मैंने इस वीडियो पे काम किया, चैनल पे काम किया, मेहनत की, 1,00,000 सब्सक्राइबर भी लेकर आया, पैसा भी आया, पैसा भी कमाया, लेकिन ये सब बेकार है। अब YouTube किसी भी तरीके से कॉपीराइट वाली वीडियो या कंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आप आर म्यूजिक वीडियो को देखकर वीडियो बनाने की सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही वीडियो बनाता हूं जैसा आर म्यूजिक वीडियो ने बनाया था, तो भाई बिल्कुल मत बनाना, ये गलती मत करना, आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप कि आप अपना रियल कंटेंट बनाएं, रियल ही वीडियो बनाएं और रियल ही म्यूजिक यूज करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर हम इस वीडियो को इतना ही सेकंड यूज करें तो मोनेटाइज हो जाएगा या डीमोनेटाइज नहीं होगा, 2 सेकंड यूज कर लेंगे तो डीमोनेटाइज नहीं होगा, 4 सेकंड यूज कर लेंगे तो डीमोनेटाइज नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 सेकंड हो गाना या 6 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड, भाई आपका कोई कॉपीराइट नहीं है। और ये मैंने सीख लिया अपने चैनल से। मैंने हर संभव प्रयास कर लिए, मैंने मेरे चैनल पर अचानक रीयूज कॉन्टेंट आ गया। कारण था रीयूज कॉन्टेंट। अगर आप भी इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस तरीके के वीडियो कंटेंट बनाना बंद कर दो भाई, किसी काम का नहीं है। क्योंकि एंड मोमेंट पर आकर YouTube और Google आपका या तो एडसेंस डिमोनेटाइज करेगा या सस्पेंड करेगा या फिर आपका चैनल ही उड़ा देगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको सब्सक्राइबर मिल जाए, जैसे मेरे सब्सक्राइबर थे, 0 से लेकर 1,00,000 तक सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब उन ऑडियंस को मैं ये कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं, जो मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए वही कंटेंट एक नए तरीके से लेकर आऊंगा जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपने जिस तरीके से प्यार अभी तक हमें दिया है उसी तरीके से आप आगे भी प्यार देते रहेंगे।